तो हेलो गाइस, सरकारी डी एम चैनल में आप लोग एक बार फिर से स्वागत है। तो बिल्कुल दोस्तों, आपके लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है। आरपीएफ में पूरे 9,000 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट निकलने वाली है। ऑफिशियली नोटिफिकेशन तो अभी नहीं आई है, लेकिन पीयूष गोयल ने अपने कल ही 28 तारीख को ट्वीट करके बताया कि 50% पोस्ट स्पेशली महिलाओं के लिए रखी जाएगी और 50% पोस्ट मेल कैंडिडेट्स के लिए रखी जाएगी। तो इसकी नोटिफिकेशन जो अभी बहुत जल्द आने वाली है, तो इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना, और कुछ कमेंट्स हो तो मुझे ज़रूर पूछना। तो चलिए, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आरपीएफ में जो बम्पर भर्ती निकली है दोस्तों पूरे 9,000 पोस्ट के लिए, तो उसकी पूरी जानकारी आज मैं देता हूँ। तो दोस्तों, कल जो रेल मंत्री है पीयूष गोयल, उन्होंने ANI TV रिपोर्टर से बात करते हुए बोला कि बहुत जल्द ही 9,000 पोस्ट की आरपीएफ में रिक्रूटमेंट निकलने वाली है, जिसमें कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की पोस्ट होंगी। और उसमें से पूरे 9,000 में से 50%, मतलब 4,500 पोस्ट स्पेशल वुमेंस के लिए निकलेंगी, मतलब फीमेल कैंडिडेट्स के लिए होंगी। तो बहुत बड़ा उन्होंने ऐलान किया है, और इसी के बारे में आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं। तो मैंने आपको लाइव प्रूफ दिखा दिया कि ये जो वैकेंसी की न्यूज़ में जो लेके आए वो बिल्कुल रियल है, और इसमें कोई भी झूठ बात नहीं। ओके, तो चलिए मैं आज मैं आपको लेके चलता हूँ मेरी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिस पर मैंने सब डिटेल्स आपको स्टेप बाय स्टेप वगैरह सब दिखाया है। तो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन के लिंक फॉलो करके आप इस पेज पर आ सकते हो, ये मेरी वेबसाइट है। और सबसे ऊपर के ऊपर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा RPF कांस्टेबल एंड सब इंस्पेक्टर पोस्ट रिक्रूटमेंट 2019-20। तो आप यहाँ भी देख सकते हो, मैंने आज ही पब्लिश किए, और टोटल पोस्ट 9,000 है। ओके, और RPF कांस्टेबल मेल एंड फीमेल कैंडिडेट जो GD पोस्ट है कांस्टेबल की, और जो बाकी पोस्ट है वो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट होगी। ओके, इसके लिए आप ग्रेजुएशन कंप्लीट और 10 क्लास पास, मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट वाले जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको भी अप्लाई कर सकते हैं, और जो 10वीं पास है, सिर्फ 10वीं पास है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और इसकी जो एज लिमिट है वो 18 साल से 27 साल तक है, और जो SC ST कैटेगरी को रिजर्व जैसे 5 साल 3 साल की छूट होती है वो भी है। ओके, और इसके चलन की अभी कोई बात उन्होंने ऑफिशियली नहीं बताई, इसलिए मैंने वो जगह खुली छोड़ दी। ओके, इसके एग्ज़ाम की बात करें तो वो भी अभी हमें पूरी जानकारी नहीं है। ओके, तो बात करें इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर, यहाँ पे जा सकते हो, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट ये है। और आपको अगर लाइव प्रूफ जो देखना है, यहाँ पे आप जो मैंने अभी पीयूष गोयल का जो फोटो दिखाया आपको, उनका न्यूज़ वालों को रिपोर्ट देते हुए उसको डाउनलोड करना है, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो इस फॉर्म के लिए आप अप्लाई इंडिया, नेपाल और भूटान भी कर सकते हैं। और इसकी ऑनलाइन डेट अभी और अप्लाई डेट वगैरह अभी मालूम नहीं हुई, इसलिए मैंने जगह खुली छोड़ी। ओके, तो जब भी स्टार्ट हो जाएगा तो आप यहाँ से डायरेक्ट सीधा सीधा अप्लाई कर सकते हो। तो आज की वीडियो में मैंने आपको सारी जानकारी दी थी कि जो RPF में जो 9,000 पोस्ट की रिक्वायरमेंट निकलने वाली है, तो उसकी पूरी जानकारी दे दी। तो आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताना, और बहुत ही बड़ी न्यूज़ आपके लिए खुशखबरी है, तो जल्द से जल्द तैयारी पे लग जाओ। RPF कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट बहुत जल्द निकलने वाली है। ओके, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में बहुत जल्दी बहुत ही बड़ी बम्पर भर्ती निकलने वाली है 9,000 पोस्ट के लिए, तो तैयारी अभी से शुरू कर दो। ओके, और आप सबको बेस्ट ऑफ लक। और वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस कर देना, कुछ कमेंट्स हो तो मुझे पूछना, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना। तो आई होप मैंने जो जानकारी दी आपको पूरी समझ में आ गई हो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। ओके, तो मिलते हैं ऐसे कोरोना फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।